Hey guys, welcome back to our channel, The Daisy Beach में आप सब लोगों का फिर से welcome. तो मैं जरा दो दिन से कोई काम से बाहर गया था. आपको बोला था मैं कि मैं गप्पी के प्लानिंग में हूँ, गप्पी ब्रीडिंग के प्लानिंग में हूँ, ठीक है. तो मैं गया था भाई मुंबई, तो इसकी वजह से भाई हमारे सेटअप में थोड़ा ध्यान नहीं था मेरा. तो यार देख सकते हो क्या हुआ कल. कल मैं हमारा जो ऑस्कर फिश ना बॉब, वो यार ऐसे क्या हो गया यार, ऐसा अचानक से, मतलब ये एक्टिव है भाई, ठीक है, ऐसे इस कोने में पड़ा हुआ था भाई. मुझे एक मिनट के लिए लगा भाई इसकी डेथ हो गई है. तो भाई मैं फिर से इसे नेट चेक किया और ये एकदम से हिला, ठीक है, एकदम से हिला. और भाई मैंने इसे पूरा चेक किया तो अभी ये ठीक ठाक है यार. यहाँ पे मैंने मतलब इसे अलग ही हुआ यार, देखो ये पूरा रेड 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 क्या हुआ है मुझे नहीं पता यार इसका भाई. मतलब मैंने यहाँ पे मेडिसिन वगैरह डाल दी हमारे यहाँ पे वेटरनरी डॉक्टर ने, मैंने उनको पूछा कि भाई ऐसे ऐसे रेड स्पॉट वगैरह हुए और स्कॉर फिश के ऊपर. मैंने उनको वीडियो वगैरह भेजा तो भाई मुझे बोले कि आप वहाँ पे थोड़ा ब्लू लिक्विड वगैरह ऐड कर दो और हीटर वगैरह लगा दो, ठीक है, और उसका जो पानी ना वो चेंज करने बोला मुझे. और यहाँ पे आप थोड़ा बहुत आलमंड लीव्स वगैरह डाल दो, ठीक है. यहाँ पे सब किया, यहाँ पे सिर्फ हमें यहाँ पे अभी हीटर ऐड करना है. और आलमंड लीव तो मैंने पहले से ही डाल के रखा है यहाँ पे. और ब्लू, आपको थोड़ा ब्लूइश वाटर रख ला होगा तो मैंने यहाँ पे ब्लू लिक्विड वगैरह ऐड कर दिया है. अभी थोड़ा बहुत एक्टिव है, कल बिल्कुल भी एक्टिव नहीं रहा यार ये. तो अभी हम हीटर भी लगा देते हैं इसको. देखो यार कितना ज़्यादा ऐसा रेड 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 कुछ अलग ही हुआ यार इसको. तो काफ़ी सारे भाइयों के मुझे कमेंट्स आए कि भाई आपकी जो स्नोई है, स्नोई को ये दो वो दो. तो भाई मैंने उसकी वही ट्रीटमेंट की, कितने मतलब 12 घंटे से अच्छी हो गई यार वो. मैंने उसको वो टैबलेट्स वगैरह दी तो अभी अच्छे से घास वगैरह तो खा रही है. तो इससे पहले भी घास देते थे यार आज की. चल स्नोई, बेचारी स्नोई हमारी बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गई थी यार. चल स्नोई चले घास ले, चल चल घास ले, चल 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 स्नोई. देखो अभी भाई ये देखो स्नोई कितनी ज़्यादा एक्टिव हो गई, देखा. तो यार आप लोगों को थैंक यू सो मच यार, ठीक है. मुझे एक भाई ने जेन्यून वाला सजेशन दिया यार, भाई ने मुझे इंस्टाग्राम पे भी दिया और यूट्यूब पे भी दिया, तो उसके लिए थैंक यू सो मच यार, ठीक है. क्योंकि हमारी स्नो फिर से स्नोई एक्टिव हो गई और कभी थोड़ा थोड़ा बहुत खा रही है, बट खा रही है यार, मतलब इसे फिर से एनर्जी आई थी. बहुत इतनी ज़्यादा नाजुक हो गई थी ना यार, मतलब क्या को यार मरने की हालत पर आ गई थी हमारी स्नोई, बिल्कुल भी हिल नहीं रही थी एक टाइम पे. तो भाई मैंने उसे वो टैबलेट्स वगैरह दी और वो अभी ठीक हो गई. तो उसका जो टैबलेट्स का अपडेट है मैं आपको इंस्टाग्राम पे स्टोरी पे दे दूंगा, ठीक है. तो हमारे सेटअप में फिर से और एक दूसरी खुशखबर है भाई. खुशखबर क्या है, हमारी जो लिली ना भाई वो अंडों पे अभी बैठने लगी है, बट अभी फिलहाल के लिए तो नीचे उतरी है. और जो दूसरी खुशखबर है, ये और एक तीसरी खुशखबर है सॉरी, ये हमारी जो ब्राउनी है ये भी अभी कुड़क पे आने वाली है, ठीक है. तो यार इतनी जल्दी कुड़क पे आ गई तो इसके अंडे, लिली के अंडे थोड़े बहुत शिफ्ट कर देंगे हमारी ब्राउनी के नीचे. क्योंकि मुझे बहुत सारे भाई कह रहे थे कि भाई आप लिली के नीचे इतने अंडे ना रखो क्योंकि आपकी जो लिली है फर्स्ट टाइम एग हैच कर रही है, तो ये सब के सब एग नहीं हैच करेंगे. आप है ना ब्राउनी जब कुड़कोगे ना उसके अंदर 10 अंडे रख दो और इसके अंदर 10 अंडे रख दो, ऐसे आप लोगों ने मुझे सजेस्ट किया तो हम वही करेंगे यार. बहुत सारे भाई कहते हैं कि भाई आप डोरेमोन का फेस रिवील कर दो. ये है भाई हमारा डोरेमोन. डोरेमोन फिर से एक बार हाई कर दे यार, आपकी फैन फॉलोइंग बहुत है यार. तो चलो दोस्तों अभी हमारे एक मिनट पकड़ना है, डोरेमोन पकड़ना है, थोड़ा खींच. इनको भी दे देते यार घास क्योंकि अभी इनको थोड़ा न्यूट्रिशन वाला फूड चाहिए ना. चल ले ले, चल लिली ईगल चलो खाओ यार. ये घास भी खाते हैं, एक सीक्रेट है इनका, घास भी खाते हैं मुर्गियाँ. मुझे नहीं पता था यार ये घास खाते हैं क्योंकि मैंने इनको पहले ही देखा था ये घास खाते हैं. तो अभी ने देखो यार कैसे शौक से खाते हैं घास. ये लो जी अभी लिली जब जाएगी ना अंडों पे आपको मैं तब दिखाता हूँ, ठीक है. बहुत ज़्यादा क्यूट दिखती है यार अंडों पे बैठती है तब. इमान ये देखो अभी सब घास खाने लगी यार हमारी स्नोई, कितने ज़्यादा नाजुक हो गई थी ना यार ये. हाँ ना यार आग भी नहीं उगड़ रही थी यार उसकी, मतलब इतनी ज़्यादा नाजुक हो गई थी वो. ना पिजन को हम खाना दे देते हैं फिर ऊपर जाते हैं. तब है ना वो लॉक खोल रहे, ठीक है. और दोस्तों मुझे बहुत सारे भाई कहते थे कि भाई आपके जो मॉन्स्टर टैंक है ना उसे आप सेटअप करो जल्दी जल्दी. तो दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूँ, अभी हमारे सारे फिश रूम का एक मेंटेनेंस है भाई. मेंटेनेंस क्या है, सारे हमें पानी वगैरह चेंज करना है, अच्छे खासे धोने हैं भाई, ठीक है. हमें फिर से इनको चमकाना है और थोड़ी बहुत लाइटिंग वगैरह लगानी है और बहुत सारा काम बाकी है हमारे फिश रूम का, ठीक है. अभी 10% भी काम नहीं हुआ यार, ठीक है. क्योंकि यार हमें एक सेटअप में अभी एक टैंक में हमें एक ही फिश रखना है. जैसे कि अभी हमारा ये बॉब का दोस्त रखा है तो बॉब तो अभी फिलहाल के लिए थोड़ा डैमेज है. डैमेज होने की मतलब उसकी अभी ट्रीटमेंट ही चल रही है यार यहाँ पे, तो उनको उसको कोई दिक्कत नहीं है.
कह रहा था कि भाई बोल, मुझे बहुत सारे भाइयों ने सजेस्ट किया था कभी आप कलर वीडियो वगैरह टेट्रा वराइटीज वगैरह रखो, जो कलरफुल फिशेस होती है वो रखो। तो भाई हम वही रखने वाले हैं, एक टैंक में हम एक ही सेटअप करने वाले, जैसे कि कलर वीडियो का सेटअप हुआ तो भाई एक टैंक में एक ही होगा, और इधर जेब्रा बार्ब वगैरह उसका टैंक का एक ही सेटअप होगा, इधर पोलर पैरेट्स के दोनों सेटअप होंगे हमारे, बट उनमें ऐसी ऐसी सर्विस होंगी भाई, मतलब उनको पूरा नेचर में जैसा मिलता है वैसा उनको देने की कोशिश करेंगे। और मुझे बहुत सारे भाई ये भी कह रहे थे कि भाई आप रैबिट के केज में मिट्टी वगैरह डालो, तो भाई हम मिट्टी वगैरह डाल के वही सेटअप करने वाले, एकदम प्रॉपर इनको जैसा नेचर में मिलता है हम वैसे इनको सेटअप देंगे, ठीक है। और फिशेज को भी वैसे ही करना है, क्योंकि हमारे गप्पी पॉन्ड को, गप्पी फिश के टैंक को हमने प्रॉपर एकदम नेचर, उनको नेचुरल में कैसा होता हम सब वैसा दिया है, ठीक है। यहाँ पे स्टोन वगैरह दिया है, यहाँ पे थोड़ा हाइडिंग प्लेस दिया है, यहाँ पे मनी प्लांट्स है, यहाँ पे वाटर कैबेज वगैरह, ऐसा इनको जो हाइडिंग प्लेस वगैरह बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ पे उन्होंने सक्सेसफुली ब्रीड भी किया यार, देखो कितने सारे बेबीज, और बेबीज कितने बड़े बड़े होने लगे अभी, ठीक है। तो यही इसकी वजह से हम इनको पूरा नेचुरल सेटअप देने वाले, हमारे जितने भी फिश टैंक के फिशेज है। पहले हम टैंक करने वाले अभी गोल्ड फिश को, ठीक है। गोल्ड फिश का टैंक क्यों करने वाले, क्योंकि अभी हमारे पास तो आपको पता है गोल्ड फिश अवेलेबल है, ऊपर मैंने गप्पी पॉन्ड में छोड़ी है। तो यार मुझे ऐसा लगता है ना, मुझे बहुत सारे भाइयों के कमेंट्स भी आए कि आप जो गोल्ड फिश आपने गप्पी पॉन्ड में छोड़ी है, वो जो गप्पी फिश ब्रीड करेंगे ना, गोल्ड फिश के गोल्ड फिश उनके ऊपर अटैक करके उनको खा जाएंगे। तो यही इसकी वजह से मैं जल्दी से जल्दी गोल्ड फिश का टैंक रेडी करना चाहता हूँ, मतलब यहाँ पे हमारा गोल्ड फिश का टैंक होगा, क्योंकि आपको पता है गोल्ड फिश बहुत ही ज़्यादा गंदगी करती है। तो इसकी वजह से मैं इसको यहाँ पे शिफ्ट करने वाला हूँ, बड़ा टैंक यार, बड़ा टैंक है तो बड़ी गंदगी भी कम करेंगे वो, और स्पॉन्ज फिल्टर वगैरह प्रॉपर इनका सेटअप देंगे हम, को बाद में फीडिंग करते हैं, पहले हम हमारे पिजन की फीडिंग कर देते हैं। चलो ए डोरेमोन यार, ये देखो यार इनकी गंदगी कर दी यार, ये देख सब गिरा डाला यार नीचे, मुझे तो नहीं लगता यार इन पे ऊपर ये सक्सेस होगा, हम फिर लगाते फिर गिरा देते यार, बाहर निकल लेना होगा, क्योंकि ना हमारे जो पिजन है ना बहुत ज़्यादा बड़े बड़े होने की वजह से इनको थोड़ा बड़ा लगेगा, तो इनके हम बड़े लाने की कोशिश करेंगे डोरेमोन, ठीक है। तो वेट पर ज़्यादा है ना उनका, इसकी वजह से ये इतने अच्छे कंफर्टेबल उनके ऊपर नहीं बैठ पाते। चलो आफ 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 भाई, इनको अभी फीडिंग वगैरह तो हो गई इनकी यार, इधर डालना, इधर नहीं डाला गया, इधर भी डालना होगा ना, अभी इतने इतने से होगा गया। आफ 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 आफ, खा लो यार, खा लो। तो यहाँ पे मैंने इनका दाना पानी कर दिया, और हमारे फैंसी फिजन का भी हो गया। चलो अभी इनको लॉक करो, अभी ऊपर चलते है यार, ये घास हमारे इनको दे देते हैं ना यार, गिनी पिग्स को। चलो 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 चलो, हेलो गिनीज यार, इनका भी हमें सेटअप थोड़ा चेंज करना है यार, डोरेमोन देखना यार कितनी गंदगी हुई है यहाँ पे, और उधर का जो ग्रीन वाटर भी चेंज करना है। डोरेमोन सच में यार ऊपर आए हुए हैं यहाँ पे, ये देखो भाई, मैं क्या बोलता डोरेमोन, यहाँ का पूरा पानी चेंज कर देते यार अपन, यहाँ पे पूरा नेचुरल सेटअप कर देंगे, ठीक है ना, ग्रीन वाटर, और ऊपर से कुछ ढक देंगे, मतलब यहाँ पे ग्रीन वाटर नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि मुझे बहुत सारे भाई कह रहे थे कि भाई आपका जो मॉली फिश के बेबीज का जो पॉन्ड है ना, उसका जो वाटर है भाई, आप वो चेंज कर लो और एक प्रॉपर सेटअप कर दो यहाँ पे, हम वही करेंगे यार डोरेमोन। चल ठीक है, तो एक दो दिन में कर लेंगे यार, कल या नहीं तो परसों टाइम मिलेगा तब, ठीक है, क्योंकि आज हमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी काम करने जाना है। क्या हो गया भाई, अबे यार ये निकल गया यार डोरेमोन, कैसे निकला होगा यार ये, शिट यार, अबे यार कल बारिश हुई थी क्या यहाँ पे, अबे यार इसकी वजह से, शिट यार। यार फिशेस सब ठीक है ना, हाँ यार सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ है, देखो सब ठीक है हमारे फिशेस, और जो कम हमारा जो वाटर लिली का वो भी ठीक है यार, वाओ ये भी ठीक है यार, और हमारी वाटर कैबेज भी ठीक है यार। डोरेमोन हमारे प्लांट्स यार, प्लांट्स भी, शिट यार ये प्लांट्स के ऊपर ही गिरा है, सुनना यार इसका कुछ जुगाड़ करते यार अभी। ओ शिट 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 भाई, हमारी पकड़ पकड़ मेरे ऊपर, यहाँ पे हमें एक चीज़ करनी यार, क्योंकि ना ये हमें नेट बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रही है हमारे प्लांट्स को, तो इसका बहुत ही यहाँ पे रहना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पे एक मैंने सुझाव किया कि भाई यहाँ पे ना वेल्डिंग मार के एक बड़ा सा एंगल खड़ा कर लेते हैं, ठीक है, वही करना पड़ेगा यार, अभी वेल्डिंग मार के बड़ा एंगल खड़ा कर लेंगे और इसे सीधा ना ऐसा ऐसा लटका देंगे सीधा, ऐसा मेरा प्लानिंग है, तो वही करेंगे यार, क्योंकि ना यार देखो यार हमारा क्रिसमस ट्री का कैसा कर दिया इसने हाल यार, ऐसा झुक गया, तो भी इनको ना पानी डाल देते हैं डोरेमोन चल जल्दी भाई, इसको जो कुछ हो जाता ना यार भाई मैं, क्योंकि यार मेरी जान है प्लांट, मुझे बहुत अच्छा लगता है यार ये, मैं हर सुबह यहाँ पे मेडिटेशन खिलाता हूँ, मुझे बहुत ही ज़्यादा मेरा फेवरेट प्लांट है यार ये, और यहाँ पे हमारी जो मॉली फिश यार सबके सब ठीक है यार ना, कुछ नहीं हुआ इनको, देख सबके सब ठीक है, और पानी भी फ्रेश है यार, मतलब यहाँ पे कल बारिश हुई थी ना,
अच्छा बारिश और हवा होने की वजह से यार ये गिर जा रहा है। चल पानी डाल देते हैं इनको, इसको भी दे देते हैं। इसमें तो कुछ नहीं आया ना डोरेमोन यार। ये देखिए चींटी कैसे लेके जा रही है, देख ये देख, ये देख ये भी सुखा रहा। देखो भाई चींटी के ऐसा दाना है ना भाई लेके जा रही है, ठीक है ऐसे एक एक करके सब अभी दाना लेके जाएंगी। क्या करना होगा, पानी डालना होगा यहाँ पे तो तब उगेंगे यार ये। तो भाई अभी हमारे जितने भी प्लांट्स है मैंने उनको अच्छे से पानी दे दिया, इनको तो बारिश से ही पानी मिल जा रहा है क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ज्यादा बारिश हो रही है यार। भाई क्लाइमेट चेक करो डोरेमोन कितना खूबसूरत है यार, होई। तो बारिश से चल रही यार, बहुत ज्यादा हवाएं थी कल में घर नहीं था इसकी वजह से यार ये ना पूरा बिखर गया था। चलो कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्तों अभी ना दोस्तों अभी मैं हमारे जो मौली फिश है उनको फीड कर देता हूँ। डोरेमोन इसको निकालना, वाव यार ओए इसको देखना यार कलर कितना डार्क है यार, अलग ही हो रही है यार। ओए इतना नहीं, अभी बाकी गप्पी फिश को डालना होगा। पच नहीं रे रॉड इतना तो लगता ही यार, अभी सब खा जाएंगे हमारी मौली फिश। भाई एक एक करके हमारे सारी मौली फिश आ गई। और दोस्तों यहाँ का पानी इतना ज्यादा फ्रेश है ना, मतलब क्या बोलूं यार, देखो कितना ज्यादा फ्रेश है, सब दिखता है यार नीचे का। मतलब इसका बहुत ज्यादा फायदा है ग्रीन नेट का, बहुत बहुत ज्यादा थैंक यू यार इसकी वजह से। नहीं तो यहाँ में ना हमारा 7 दिन में पूरा डार्क ग्रीन हो जाता था पानी, बहुत अलग ही लगता था देखने के लिए। और मैंने जब से हमारा वाटर लिली का जो प्लांट है उसको मैंने अंदर मिडल में किया तो इसका जो असली रूप है ना भाई दिखाने के लिए ही हो गया भाई। देखो पूरा भी फैलता जा रहा है, अभी है ना पूरा टैंक कवर कर लेगा, ऐसा लगता है ना भाई हमारे वाटर कैबेज को ही नहीं रहने देगा, क्या पता यार देखते हैं। मैंने तो देखा था यार पप्पा नर्सरी में ये वाटर लिली वाटर कमल विमल सब एक एक ही पौंड में थे सब, तो हमारे तो वहाँ पे वाटर कैबेज वगैरह सब ही हो रही थी। अभी पूरा फैल रहा है डोरेमोन यहाँ पे, पूरा फैल जाएगा, मतलब हमें ना इस नेट की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी यार ये जब फैल जाएगा तब। ओए सॉरी की सॉरी आ गई यार, कैमरे को देखते ही भाग जाते यार वो को दे देते यार, मैंने गप्पी के पास ही नहीं गया यार। वो यहाँ का ऑक्सीजन बंद है डोरेमोन, वे बटन ही बंद होगा ना यहाँ का, यहाँ का बटन ही बंद है, बटन नहीं बंद है यार ये तो चालू है डोरेमोन, स्पीड कम है शायद से, अभी चल रहा है कनेक्शन थोड़ा यहाँ पे लूज हो रहा है। चल रहा है क्या वहाँ पे? ओके अरे यहाँ का स्पीड ना कम था इसकी वजह से। और यहाँ पे देखना क्या हो गया, चल रहा है, चल रहा है धीरे चल रहा है ना वही यार, ये तो कितना धीरे चल रहा है यार ये स्पीड में, क्या हो गया इसको, ये देख कितना धीरे चल रहा है ना, एक एक ही बबल कर रहा है, देखना होगा। चल दूसरा ऑक्सीजन पंप ऐड कर देते वहाँ पे, देना इनको फूड दे दे तेरे हाथ से दे दे, और हमारे एक्टर कैटफिश को भी दे दे यार क्योंकि एक्टर कैटफिश बहुत ही ज़्यादा अभी वायरल हो रही है। ये देखो हमारे एक्टर कैटफिश, ओए 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 वो एक्टिंग कैटफिश। भाई इसके बारे में मुझे बहुत सारे भाइयों के सजेशन है कि भाई आपने इसको बहुत कम स्पेस दी है यार, इसके लिए हमें ना बड़ी स्पेस करने वाली, इसकी वजह से मैंने इसको अभी छोटी स्पेस में रखा है, मतलब इसके लिए कंफर्टेबल यार, बट इसके लिए हम पूरा नेचुरल सेटअप देने वाले, इसके लिए मैं रुका हूँ यार, हमें एक एक फिश के लिए एक एक उसके खतरनाक सेटअप देना है यार। उसको खोलना, उसको खोल खोल खोल, शकर फिश को भी दिखा देते यार, मैंने कब का नहीं देखा यार, 4-5 दिन हो गए होंगे यार। यहाँ का पानी ग्रीन कैसे हो गया यार, ग्रीन हो गया, खुला रह गया होगा शायद से, खुला रहा मतलब पानी गया भाई। डाल दे ओके तू भी डाल दे वहाँ पे हाँ इधर, बाकी इधर डाल दे, ये ज़्यादा खाती है भाई ये ना, रात को ज़्यादा खाती है, रात को ज़्यादा खाना। चल एक्टर कैट फिश, ओए कितनी बढ़िया ये ना काटती यार, देखा अभी मेरी मुझे काटे देख 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 काटती आ रही है पीछे लगती भाई ये एलिगेटर गाल को। भाई हमारी एलू का क्या है भाई, कॉपर का, कॉपर हे कॉपर मेरा दोस्त कॉपर, चल बड़ी चल 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 चल, ये बड़ी ने मुझे काट लिया था यार, काट लिया ना भाई तूने, इसकी इसकी गलती नहीं थी यार, उसका जो पिछला वाला जो फिन है ना मेरे हाथ को लग गया था थोड़ा बहुत लगा था, तो भाई मैंने डॉक्टर से वगैरह पूछा कि यार। चल भाई भाई इसे रखना कोई बच्चों का खेलने, ठीक है ये मॉन्स्टर फिश में आता है भाई, खतरनाक फिश है ये भाई, रख दे चल चल। इसको मैंने क्यों ढका है भाई, इसके धूप की वजह से ढका यार, और बहुत फ़ायदा होता है ढकने से। वहाँ पे ना डोरेमोन हमें प्लांट ऐड करना है, ठीक है गुलाब का वगैरह कर देंगे यार, वो ना अच्छे फैलते हैं। यहाँ पे हमारे डव को बैठते हुए अभी कंप्लीट 5 दिन हो गए हैं, और भाई मुझे एक सजेस्ट करो कि यार ये कितने दिन अंडों पे बैठती है, ठीक है मुझे इसका बिल्कुल नॉलेज नहीं यार, मतलब ये 20 दिन बैठती है, 1 महीना बैठती है यार, 15 दिन बैठती है, मुझे नहीं पता यार, ठीक है
आप मुझे जरूर सजेस्ट करना कि भाई ये अंडे कितने दिन संभालने वाली है, मतलब मैं उस हिसाब से इनकी केयर करूँगा। तो आपको एक चीज़ बताने की रहेगी यार, डोरेमोन के ये छत पर उसको एक कबूतर मिला है जो कि व्हाइट कलर का है, बेबी लग रहा है डोरेमोन मुझे, तो ये एक दो दिन पहले ही यहाँ पे लेके आया यार। मैंने इसका अपडेट देने का ही रहेगा क्योंकि हम इतना ज़्यादा इसे अलग ही जगह पे रखा था डोरेमोन ने, फिर यहाँ पे हमारे सेटअप में लेके आया, तो अभी मैं इसको अपडेट दे रहा हूँ। ठीक है, तो कैसे मिला डोरेमोन तुझे, मतलब स्लैब पे मिला गया टेरेस पे? हाँ, तूने पकड़ लिया, मतलब 100% बेबी होगा क्योंकि देखना यार। तो भाई इसको ना दाना पानी कर दिया, इस उसको पानी भी भर देना डोरेमोन फिर, ठीक है ना? अच्छा हो गया, तो भाई किसी का होगा तो हम उसको दे देंगे। बंद है अभी तो, दिखा तो यार, इसको चीख ही कर लेते यार क्योंकि मैंने इसे पकड़ा ही नहीं। पकड़ तो, एक मिनट राजा से पकड़ तो। हुई कितनी हड्डी निकली यार इसे, बहुत ज़्यादा बारीक है। नहीं ना, आँख तो पकड़ फिर यार, तभी तो। हुई देख कितनी हड्डी निकली भाई, कितना बारीक हो गया यार ये। ओए शिट 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 डोरेमोन, शिट यार इसे क्या हुआ हो यार। भाई इसके हम हमारे पिजन में नहीं मिक्स करेंगे यार क्योंकि इसे ना अलग ही कोई डिशेज होगा यार, इसकी वजह से हम इसे ऊपर ही रहने देंगे। रख दिया पे पानी, उसको खाना भी रख दिया तूने? हाँ, अभी इधर पानी पी रहा है। ओए बेचारा पैसा होगा यार, देख बेचारा कितना और भर देते यार, बेचारा पैसा होगा। आप ही सारे भाइयों के मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि भाई आपके जो मैंगो है और जो मैंगो के डैडी है उनके लिए आप उनको फ्रेंड लेके आए, ठीक है, क्योंकि ये बेचारे दोनों के दोनों अकेले बाप बेटे। तो आप मुझे बहुत सारे भाई मुझे कह रहे थे कि उनके लिए कोई फ्रेंड वगैरह लेके आओ, तो भाई आज मैं वही पेट शॉप में जाने वाला हूँ स्पेशली हमारे मैंगो के लिए, फीमेल लाने के लिए, ठीक है। और मुझे पेट शॉप वाले भाई भी बोले कि भाई अभी लवबर्ड्स अच्छे अच्छे क्वालिटी के अवेलेबल है, तो आप आ जाओ और आपके जो पसंद के वो लेके जाओ। तो भाई हम अभी जाएंगे और वो लेके आएंगे, ठीक है। रख दिया इसको यार, आज पेट शॉप को जाना है डोरेमोन, मतलब मैं बजीज वगैरह लेके आऊँगा इनके लिए, मतलब इनके लिए दो फीमेल लेके आऊँगा यार। हमारा मैंगो फीमेल ही मेल है यार, देखो मेल है क्योंकि इसके जो ब्लू ब्लू आ रहा है ना तो शॉर्ट। और दोस्तों मुझे आप एक ही सजेस्ट करो कि भाई डव कितने दिन अंडों पे बैठते हैं, और ये पेयर तो अभी अंडे नहीं दे रहा है, ऐसा लग रहा है ना इस पेयर को हम दे दें, ये पेयर ने भी अंडे दे दिए, तो ठीक है हम इनके लिए भाई थोड़े बहुत पेशेंस रखें तो इनके लिए भी रख लेंगे, ठीक है। तो भाई सब मैंने देखा, सब इधर उधर देखा, भाई ये ऐसे परिंदे ना यार खाते को हमें नीचे ज़्यादा गिराते हैं। देखो भाई यहाँ पे नीचे पूरा खाने से ज़्यादा यहाँ पे नीचे ही ज़्यादा इन्होंने गान किए। देखो भाई यहाँ पे इतना अच्छा बाजरा यार, देखो सबका सब इन्होंने ख़राब कर दिया यार। अब ये बाजरा क्या काम का डोरेमोन, हमें एक ही काम में आएंगे, जैसे कोई कुंडे में लगा देंगे और उग जाएंगे, वही करना पड़ेगा। कबूतर खा लेंगे यार वही, अभी इसको फिर से बाजरा भर देंगे। अभी क्या करना डोरेमोन, अभी इतना ही भरते जाएंगे, ठीक है। मटर वगैरह भी इनका है क्लियर, हमारे इसका भी है डन, और इनका भी है भाई खाना पीना, तो इनका सब है, इनका थोड़ा बहुत है इनको भी दे देते हैं। हाँ इतना ही बढ़ने का यार इनके लिए, बहुत ज़्यादा शरारती हमारी ये दोनों के दोनों। चलो लो 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 लो, चलो 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 ले भाई चल, अबे आ जाओ ना यहाँ पे, अभी तुम्हारे लिए मैंने खाना लाया, चल खा लेंगे चलो। हमारे सारे परिंदे वगैरह सब ठीक ठाक है क्योंकि मैं 2-3 दिन से घर पे नहीं था, तो इसकी वजह से बहुत हमारे सारे सेटअप के जितने भी पेट्स हैं मैंने सब चेक कर लिए, सब ठीक ठाक है यार। और 2 दिन से मैं घर नहीं था तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी, तो अभी आ गया तो अभी सब ठीक ठाक है यार। तो आज की वीडियो में यहीं पे एंड कर रहा हूँ, और भी पेट शॉप पे मैं जाने वाला हूँ, ठीक है। पेट शॉप की जो वीडियो मैं कल अपलोड करूँगा, मतलब हमारे जो मैंगो की जो फीमेल लाने वाला हूँ ना भाई, ये मैं कल लाने वाला हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं भाई कल के वीडियो में, ये हमारा सरप्राइज कल, मैं आज बोल दिया, तो भाई चलते हैं।